good. सो ही हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है। अच्छा ऐसा नहीं बोलना था, खैर खुशखबरी बोलो या कुछ और। आज मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस ईवो गेमपैड प्रो V4। सो आप सब लोगों ने एक ना एक बार तो YouTube पर इस गेमपैड का रिव्यू जरूर से देखा होगा, लेकिन आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ इसका ऑनेस्ट अनबॉक्सिंग रिव्यू और उसके साथ ही कैसे इसको सेटिंग करते हैं और क्या वाकई में ये गेमपैड BGMI और PUBG में एडवांटेज प्रोवाइड करता है या बेकार में ही हवा मचा हुआ है। सो आप भी अगर इस गेमपैड को परचेस करने वाले थे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को अगर फुल देख लेते हो तो बाद में बोलोगे मजा बहुत आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। ये हमारे ईवो गेमपैड प्रो 4 का बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ जैसे कि मेंशन है, पहले बोल रहा हूँ कि iOS 13.4 के ऊपर ये सपोर्ट नहीं है, बट अभी ये iOS 14 वगैरह में सपोर्ट हो चुका है। इसका भी आपको फुल एंड फाइनल प्रूफ वगैरह वीडियो के आगे देखने को मिल जाएगा। रही बात इस गेमपैड के बॉक्स ओवरव्यू की, तो यहाँ पर सारे गेम्स जो कि पॉपुलर गेम्स PUBG मोबाइल, मिली मिलिशिया मोबाइल लेजेंड्स एंड हमारा फ्री फायर जो कि है, आपको पता ही होगा उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, वो सब गेम्स के बारे में इंस्टेंट मोड वगैरह यहाँ पर दिया गया। जैसे कि आप नीचे की ओर देख सकते हो यहाँ पर ट्रिपल मोड्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि आपको आगे अच्छे से बताने वाला हूँ कि वो सब मोड्स क्या होता है। रही बात इस गेमपैड की, तो यहाँ पर आपको जीरो डिले क्लेम करते हैं ये लोग, ब्लूटूथ 4.0 के ऊपर ये काम करता है, 12 हर्ट्ज का आपको नॉनस्टॉप प्लेबैक आपको टाइमिंग मिलता है। जैसे ही बॉक्स को आप अनबॉक्स करोगे तो सबसे पहले ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम चीप क्वालिटी के जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको 300-400 रुपए का जो गेमपैड मिलते हैं वैसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। काफी आपको मिल स्टिक सा फील होगा। यहाँ पर आपको फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कुछ भी अगर दिक्कत होता है। क्विक स्टार्ट गाइड और उसके साथ ही ये चार चार मोड्स और चार चार की मैपिंग जो होता है अलग अलग गेम्स के, वो सब भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और एक वारंटी कार्ड मिलता है जैसे कि देख सकते हो, और उसके अंदर सारे सेटिंग एंड मैनुअल वगैरह दिया गया था, आप चाहते हो पढ़ सकते हो, मैं किस लिए हूं भाई आपको तो आगे दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर आपको एक डाटा केबल देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। रही बात इस गेम पैड की, तो जैसे मैं इसको निकाला, खैर मेरी तरह मत निकालना, आप थोड़ा सा जेंटली निकालना। तो जैसे निकालोगे ना, सबसे पहले आपको नजर जाएगा इसके पीछे दो एक्स्ट्रा स्विच, जो कि L3 एंड R3 का नया बटन इन लोगों ने ऐड किया है, जिससे आप पीक वगैरह कर सकते हो PUBG गेम वगैरह में। और अगर बात करें इसके स्टैंड की, तो ये कहीं से भी ऐसा चीप क्वालिटी का स्टैंड नहीं लग रहा, मैं इतना गारंटेड के साथ बोल सकता हूं कि आप इसमें अगर अपना फोन अटैच करते हो तो गिरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अभी इसके डिजाइन एंड ओवरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके डिजाइन एंड ओवरव्यू वगैरह मैं सिनेमेटिक्स में इसलिए दिखाया ताकि आप अगर एक गेमर हो और आपको अगर सच में गेमपैड अगर परचेस करना है तो आपको इस सिनेमेटिक से ही अंदाजा हो जाए, मेरे को अलग से बोलना ना पड़े। और अगर बात करें मेंशनेबल थिंग्स की, तो यहाँ पर इसका जो ग्रिप है, साइड ग्रिप जिसको आप पकड़ते हो, वो काफी मेरे को सही लगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक ग्रिपेबल सरफेस देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अगर गेम वगैरह खेलते हो तो आपको कभी भी चीप क्वालिटी वाला फील नहीं देगा यहाँ पर। खैर बटन की अगर बात करें तो दोनों ही बटन काफी टैक्टाइल एंड काफी क्लिकी और आपको रिस्पॉन्सिबल फीडबैक देंगे, जिसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बात करें अगर ग्रिप की, तो इसका ग्रिप मेरे को काफी ज्यादा सही लगा कंपेयर टू दिस जो कि पीसी वाला गेमपैड था, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाला था। इसका जो सरफेस है ना, ये काफी ज्यादा मैट फिनिश जैसा है, जिससे कि आपको हाथ में पकड़ने ज्यादातर नहीं आता है, मतलब स्लिपरी जैसा है, आप समझ सकते हो। सो हाँ, यही था इसका ओवरव्यू। अभी चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बोले तो कॉन्फ़िगरेशन iOS एंड एंड्रॉइड में बोथ आर सेम ही है, तो यहाँ पर मैं आपको एंड्रॉइड में करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले शूटिंग प्लस V3 नामक एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। आप इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसको ओवरले में एक्सेस देना है, क्योंकि ये ओवरले के ऊपर काम करेगा, आपको पता ही होगा की मैपिंग। देन जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ गेम्स वगैरह थोड़ी टाइम इसके लिए नहीं दिखा सकता है, तो उसको टेंशन मत लेना। सबसे पहले आप अपने गेम पैड के होम बटन को प्रेस करना थोड़ी टाइम के लिए, तो ये हल्का हल्का ब्लिंक करेगा,
रहेगा, इसका जो टाइमिंग होगा थोड़ा सा डिले होगा, जैसे कि देख सकते हो मतलब ऑन हो चुका है। और उसके बाद होम प्लस वाई आप अगर प्रेस करते हो तो ये इंस्टेंट मोड फॉर आईफोन आएगा, और उसके साथ ये होम प्लस एक्स को आप अगर प्रेस करते हो तो ये आएगा एंड्रॉइड एच आई डी मोड, जो कि ऑलरेडी सपोर्टेड मोड होते हैं, मतलब ऑलरेडी सपोर्टेड गेम्स होते हैं जिसके लिए की मैपिंग की जरूरत नहीं होता। और उसके बाद थर्ड मोड जो कि हम लोग यूज करेंगे वो है होम प्लस ए, जो कि आता है एंड्रॉइड इंस्टेंट मोड। तो सबसे पहले हम फिर से होम प्लस ए बटन को प्रेस करके रखेंगे, ये ब्लिंक होगा, जैसे ये तेज तेज ब्लिंक होना स्टार्ट हो वैसे ही आपको ब्लूटूथ ऑन करके सर्च न्यू पेयर डिवाइस पर जाना है, वहां पर आपको ईवो गेमपैड प्रो 4 देखने को मिलेगा जिसको आपको टैप कर देना और फटक से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर अपग्रेड के लिए पूछ सकता है, अगर नहीं पूछता है तो ऑलरेडी अपग्रेडेड होगा, और अगर अपग्रेड होता है तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां पर अपग्रेडेड कंटेंट्स नाम से लिखा हुआ होगा। नाउ ये सपोर्ट करता है iOS 13.4 एंड iOS 14 वगैरह को ये सपोर्ट करता है, एंड सपोर्ट एक्टिवेटेड वर्जन वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है, और कुछ इश्यूज वगैरह भी इन लोगों ने फिक्स कर दिया है। तो मेरे जो आईफोन वाले भाई बंधु है तो बेझिझक इस गेम पैड को खरीद सकते हो अभी अपने फोन पर यूज करने के लिए। तो जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे पॉपुलर गेम्स देखने को मिल जाएगा, आपका BGMI नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नया गेम है, तो उसके लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर टैप करके यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका गेम आ जाएगा, आने के बाद आप अपने फोन को अटैच कर देना ये गेम पैड के साथ। और गेम पैड के साथ अटैच करने के टाइम आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो फ्रंट कैमरा हो वो लेफ्ट साइड में हो, ताकि की मैपिंग जो है वो काफी एक्यूरेट हो और आपको कोई भी एक्स्ट्रा से चेंजेस करना ना पड़े, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो जैसे आप कनेक्ट कर दोगे आपका सब कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो है उसमें आपको टैप करना है, या आपका कोई भी गेम्स अदर गेम्स में जो आप खेलना चाहते हो उसमें टैप करना है। जैसे कि मैं BGMI के लिए यहाँ पर डाउनलोड फॉर होम प्लस अप बटन टैप कर रहा हूँ, जो कि PUBG और BGMI के लिए सेम ही आता है। तो यहाँ पर आपका अगर डाउनलोड होता है तो काफी सही बात है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर लिखा आता है कि द प्रीसेट डज नॉट सपोर्ट या डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर दिखाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एक बार सिर्फ होम प्लस अप बटन को प्रेस करना है, जैसे कि देख सकते हो थोड़ी टाइम के लिए प्रेस करने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए एंड BGMI को सर्च करके ओपन कर दीजिए, आपका यहाँ पर गेम पूरी तरीके से सपोर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा। उसके बाद PUBG मोबाइल पे जाके आपको कंट्रोल्स पे जाके नंबर 1 जो सेटिंग्स आता है कंट्रोल का, उसमें जाके उसको कस्टमाइज करना है, और कस्टमाइज करने के टाइम आपको इसको रीसेट कर देना है। बट आप अपना पुराना वाला सेटिंग्स तो रीसेट नहीं करने वाले कभी भी, मैं भी अपना नहीं करने वाला भाई, बहुत टाइम लगता है उसको सेट करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत जाता है। तो यहाँ पर आप लेआउट में जाके सेकंड या थर्ड लेआउट को आप चूज कर सकते हो। तो रीसेट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप गेम को खेलोगे तो यहाँ पर आपका गेम प्रॉपर वर्क करेगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और इन केस आपका गेम अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता डायरेक्ट ओपन करने के बाद, तो यहाँ पर मेरे पास और एक फाड़ू तरीका है, ये जरूर से वर्क करेगा। जैसे आप BGMI पे टैप करोगे तो वहां पर आपको आएगा एडिट प्रीसेट, जैसे आप एडिट प्रीसेट पे टैप करोगे तो बूम यहाँ पर 100% क्या 200% आपका गेम वर्क कर जाएगा। अभी चलिए आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता और उसके बाद बोलता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो थोड़ी टाइम गेम खेलने के बाद मेरे को ये अंदाजा हो गया है कि ये गेम पैड मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मोबाइल में खेलता हूँ और मोबाइल में एवरेज प्लेयर की तरह खेलता हूँ, 2.5 की KD है भाई, मतलब नूब भी बोल सकते हो नूब। सबसे पहले आप अगर इसमें मास्टर करना चाहते हो तो आप अपने नया अकाउंट में खेलिए, उसमें बॉट वगैरह को मारिए, और उसके बाद जाके ये कंट्रोलर आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर ऑलरेडी एक कंसोल प्लेयर हो, PS4 या फिर Xbox वगैरह में आप खेलते हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही इजीली इससे खेल पाओगे और काफी अच्छा खासा एडवांटेज उठा पाओगे। रही बात दूसरे गेम की, जैसे कि हमारा मिली मिलिशिया हो गया, फर्स्ट टाइम ही मैंने 2-3 किल कर लिया था 5 मिनट का गेम खेल के ही, क्योंकि ये काफी अच्छा, मतलब आप अगर स्क्रीन में खेलते हो तो उससे 10 गुना अच्छा आपको फीडबैक एंड अच्छा आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा इस गेम पैड के जरिए। और अगर बात करें हमारे मेन जो कि सबसे सुपर गेम है और बोल सकते हो तो कि यही गेम के लिए ये कंट्रोलर बना है, वो है हमारा एस्पल्ट 9।
और आपको तो पता ही होगा एसपल 9 का ग्राफिक्स कैसा है, एकदम कंसोल लेवल का आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और ऊपर से आपका फोन अगर हाई एंड डिवाइस है तो उसका वाइब्रेशन एंड ग्राफिक्स वगैरह आप अगर हाई करके देते हो तो आपको एकदम प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जैसा आपको एक्सपीरियंस दे देगा। और उसके साथ इसका कंट्रोलर काफी फीडबैक कंट्रोलर देखने को मिलता है, तो इसमें आप अगर गेम खेलते हो ना सुपर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप फोन में खेलो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने PS4 को या PC को स्ट्रीम करके आप अपने फोन पर उसके कंसोल से खेल रहे हो, आपको ऐसा फील होगा। So, वीडियो देख के इस गेमपैड का आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि यह गेमपैड आपके लिए है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद का कंक्लूजन आप सबके सामने रखता हूं। तो सीरियसली बोलना चाहूंगा कि ये गेमपैड मिलीशिया और उसके साथ ही साथ एशवेल 9 वगैरह जो गेम आते हैं या फिर शेडो फाइट, उतना ज्यादा कंपेटेटिव गेम्स नहीं होते। कंपेटेटिव होते हैं बट FPP गेम्स वगैरह नहीं होते, जो FPP शूटिंग गेम वगैरह होते हैं उनके लिए ये गेमपैड नहीं है। हाँ, जो लोग PS4 या फिर Xbox में ऑलरेडी गेम खेले थे जैसा कि Fortnite वगैरह कंट्रोलर से ऑलरेडी अगर खेल चुके हैं, वही लोग इस गेमपैड के जरिए PUBG मोबाइल में कुछ एडवांटेज या फिर फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा भी एक दोस्त है जो कि फोर्टनाइट खेलता था, वो फोन में पबजी वगैरह खेल नहीं पाता, तो उन लोगों के लिए ये गेमपैड है। डेफिनेटली आप अगर एसफल 9 वगैरह मिलीशिया या फिर शेडो फाइट वगैरह खेलते हो तो डेफिनेटली आप एडवांटेज उठा तो सकते ही, और उसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इस गेम पैड से खेलकर कंपेयर टू मोबाइल। तो हाँ, वही आई होप आप सब लोगों को ये वाला वीडियो से इस गेम पैड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ चुका होगा, काफी अच्छा खासा नॉलेज आ चुका होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये खरीदना है कि नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको अगर चेकआउट करना है तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एसफल 9 वगैरह खेलना चाहते हो तो बहुत ही बॉम्ब कंट्रोलर है, डेफिनेटली इसको ये परचेज कर लीजिए। लेकिन BGMI के लिए आपको तो पता ही है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और उसी के साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये कंट्रोलर कैसा लगा, और उसी के साथ ही आगे किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हो। एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है दोस्तों। इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आप अगर और देखना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप देखो इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले। मैं मिलूंगा आप सब लोगों से ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए चाहता बाय बाय।